जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुवा। झारखंड चुनाव संपन्न हो गया, दोबारा हेमंत सोरेन सरकार को बहुमत मिल गया, लेकिन एक संशय अभी भी है कि क्या इस बार झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स का मिजाज बदलेगा या पहले की तरह ही वे अभी भी साहब बनकर राज करते रहेंगे। रघुवर दास के सरकार में पावरफुल रहे कई ब्यूरोक्रेट्स तो 2019 में सरकार बदलते ही केंद्र का रुख कर लिए थे, कोई डिपुटेशन पर तो कोई स्टडी लीव में चले गए, और कुछ तो दिल्ली जाने के जुगाड़ में भी लगे रहे, और कुछ तो इस सोच के साथ समय काटते रहे कि सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी। सरकार तो नहीं गिरी। अब ऐसे लोगों से झारखंड का विकास कैसे हो सकता है? कई लोगों को उम्मीद थी कि राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन सरकार हेमंत सोरेन की रिपीट हो गई और आदिवासियों की एकता ने नई सरकार बना दी। ब्यूरोक्रेट्स की समस्या आदिवासी अधिकारों को लेकर भी होती ही है, क्योंकि वे गैर आदिवासी आदिवासियों की समस्याओं को ठीक से समझ नहीं पाते, क्योंकि वे न इनकी भाषा जानते हैं और न ही उनकी संस्कृति। हिंदुत्व के चाशनी में वे लोग भी आदिवासियों को देखने की कोशिश करते हैं। यह बहुत बड़ी समस्या झारखंड की तो है ही, उनके चक्कर में समस्या आदिवासियों की भी बड़ी होती जा रही है। संविधान में कार्यपालिका की भूमिका सेवक की है, लेकिन झारखंड में ब्यूरोक्रेट साहब बनकर काम कर रहे हैं। वह बिहार के समय में भी इसी कल्चर में थे, और अभी झारखंड बना तो भी उनका कल्चर नहीं बदला। सिर्फ झारखंड अलग राज्य बना, लेकिन बाबू अलग कल्चर हूबहू बिहार का ही चला आ रहा है। बिहार के समय में झारखंड की स्थिति उपनिवेश की तरह थी। उनके आका पटना में बैठते थे और वे पटना के हितों के प्रति ज़्यादा वफादार थे। झारखंड बनने के बाद भी पूर्ण बहुमत की सरकार कम ही रही। सिर्फ भाजपा के रघुवर दास के समय सरकार के नहीं होने पर विधायिका अक्सर कमजोर रहती है। भाजपा की सरकारें रही जब भी, उसकी तमाम नीतियां और निर्णय दिल्ली में तय होते थे, खासकर 2014 से जब केंद्र में मोदी सरकार बनी, और इस दौरान ब्यूरोक्रेट्स का दबदबा भी ज़्यादा रहा। झारखंड में ब्यूरोक्रेसी की हालत यह है कि इसमें झारखंड मूल की संख्या कम ही रही है, और जो गैर झारखंडी थे वे साहब वाले मिजाज से निकल नहीं पाए। लेकिन अब जब झारखंड में अगले 5 साल के लिए दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार बन रही है, तो क्या ब्यूरोक्रेट्स का मिजाज बदलेगा? क्या हेमंत सोरेन सरकार ब्यूरोक्रेसी को साहब से सेवक बना पाएगी? यदि झारखंड के आदिवासी मूलवासी ब्यूरोक्रेट्स को सेवक बनते देख पाएगी, तो उम्मीद है कि झारखंड की बहुत सारी समस्याओं का समाधान झारखंडी संस्कृति के आलोक में संभव हो सकेगा। नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति की यह जिम्मेदारी होती है कि सरकार को जवाबदेह बनाए। यदि ब्यूरोक्रेसी में आदिवासी और मूलवासियों की संस्कृतियों के आलोक में निर्णय नहीं लिए जाएंगे, उस हालात में सरकार पर दबाव बनाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। कई सारे मुद्दों पर आपको अपनी राय स्पष्ट होनी चाहिए। सिर्फ विरोध करना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान होना ज़्यादा जरूरी है। सबको धन्यवाद। जोहार।